नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे सीखेंगे कुछ क्वेश्चन के साथ। एलिगेशन, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप सिक्स। तो टाइप सिक्स में कैसे कैसे सवाल आते हैं उसके लिए थोड़ा सा हम लोग थ्योरी देखेंगे, कुछ फॉर्मूला देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं टाइप सिक्स में। तो होता क्या है कि हम लोग को कुछ ऐसे दिया रहता है, मान लीजिए दिया रहेगा कि इसमें 90 लीटर दूध है। इसमें दिया रहेगा कि एक बर्तन में 90 लीटर दूध है और कहेगा कि इसमें से 10 लीटर निकाल लिए, मतलब 10 लीटर दूध निकाल लिए और 10 लीटर इसमें पानी ऐड कर दिए। इसका मतलब बोल क्या रहा है आप समझने का कोशिश कीजिएगा। 90 लीटर दूध है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल लिया गया और 10 लीटर पानी मिला दिया गया। अब फिर क्या करेगा कि अब अच्छा ये प्रक्रिया ऐसे करने में अभी भी तो 90 लीटर ही मिश्रण है, 10 लीटर निकाला गया दूध और 10 लीटर मिला दिया गया पानी, तो अभी भी 90 लीटर है लेकिन उसमें क्या है दूध की मात्रा थोड़ा कम हो गया होगा, लेकिन अभी भी मिश्रण जो है वो 90 लीटर का है, कम नहीं होगा क्योंकि 10 ही निकला है 10 ही गया है। अगर मान लीजिए फिर अगर कहा जाए तो अभी भी हम कह सकते हैं कि अभी भी 90 लीटर ही है लेकिन अब केवल दूध नहीं होगा, अब इसमें मिश्रण भी होगा। ये 90 लीटर अब मिश्रण बोलेंगे क्योंकि इसमें दूध भी है पानी भी है लेकिन अभी भी 90 है। तो अब फिर कहेगा कि मान लीजिए फिर कहेगा कि फिर 10 लीटर निकाल लिए और फिर 10 लीटर पानी डाल लिए। तो यही प्रक्रिया दो बार तीन बार इस तरह करके क्वेश्चन देता है कि दो बार की गई तीन बार की गई यही प्रक्रिया। तो मतलब एक ही, मतलब जितना लीटर निकाला जा रहा है मिश्रण उतना ही लीटर पानी मिलाया जा रहा है, जितना लीटर मिश्रण। तो इस प्रक्रिया में होता क्या है कि आपको जो मिश्रण होता है, जो जैसे दूध या 90 लीटर है तो मिश्रण भी 90 लीटर ही रहता है अंत तक। हाँ, उसमें क्या होता है दूध की मात्रा कम हो जाती है और पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यही ये क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कुछ फार्मूलाज आपको सिखाया जाएगा, तो थोड़ा सा फार्मूला देखिएगा। प्योर मिल्क लेफ्ट चाहे आप इसको क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रक्रिया करने में अंत में जो मिल्क बचता है, प्योर मिल्क बचता है वो कितना होता है, मतलब उसकी मात्रा कितनी होती है। तो ये बराबर होता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क ब्रैकेट 1 माइनस मिक्सचर रिप्लेस बटा में टोटल मिक्सचर और पावर में यहाँ n। तो ये फॉर्मूला होता है, आप इसको हिंदी में भी समझ सकते हैं, हिंदी में कुछ है नहीं
आप समझ सकते हैं हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि शुद्ध दूध की मात्रा, शुद्ध दूध की मात्रा जो होगा वो क्या होगा, तो यहाँ लिखा है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, मतलब इनिशियल मतलब आप कह सकते हैं शुरुआत, मतलब प्रारंभ में जो दूध की मात्रा थी उसको यहाँ रखते हैं। फिर ब्रैकेट वन माइनस मिक्सचर रिप्लेस इस टाइम, मतलब मिक्सचर जो रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे 10 निकाल के 10 डाल रहे हैं, 10 निकाल के, तो जो निकाली गई मात्रा है उसी को बोला जा रहा है मिक्सचर रिप्लेस, और बटा में है टोटल मिक्सचर, और पावर में एन, मतलब यह प्रक्रिया जितनी बार दोहराई जाएगी उतना वो, हाँ अगर दो बार की गई है तो दो बार पावर में एन जो है एन के वैल्यू दो बार हो जाएगी, अगर तीन बार की जाएगी तो तीन बार हो जाएगी। तो ये इसी फॉर्मूला, आप एक बात और समझिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ आप समझिएगा कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिक्सचर जो होगा वो क्या होगा, तो जो होगा क्या शुरुआत में जो है वही होगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं ये फॉर्मूला का यूज़ कैसे होगा। आप इसमें चाहें तो यहाँ पर रेशियो डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस ये वाला जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है वो नीचे आ जाएगा तो क्या बनेगा, देखिए क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट बटा में वो वाला, वो ये गुना में इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क बराबर वन माइनस मिक्सचर रिप्लेस, इस टाइम आप लिख सकते हैं मिक्सचर रिप्लेस बटा में टोटल मिक्सचर, और यहाँ पे एन आप ये चीज लिख सकते हैं। और एक बात और आपको समझना होगा कि जो टोटल मिक्सचर होगा, जो टोटल मिक्सचर होगा वो कहीं ना कहीं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क के बराबर होगा, मतलब यहाँ पे मिक्सचर बदलेगा नहीं, हो क्या रहा है कि जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क होगा आपका, मतलब शुरुआत में कितना मिल्क है आपके पास, इनिशियल मतलब प्रारंभ में, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क जो होगा वो कितना होगा, तो वो मिक्सचर के बराबर होगा, क्योंकि एक ही चीज़ निकाल के एक ही चीज़ डाला जा रहा है, 10 लीटर निकाला जा रहा है 10 लीटर डाला जा रहा है, 15 लीटर अगर 15 निकाल रहा है 15 डाल रहा है, 15 निकाल रहा है 15 डाल रहा है, तो आपका जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है वो टोटल मिक्सचर के बराबर होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि जितना निकाला जा रहा है उतना ही डाला जा रहा है। तो इस बात को आप चाहें तो समझ भी सकते हैं यहाँ, कि एक बात हम आपको लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा यहाँ कि जो जो टोटल मिक्सचर होगा यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में, जो टोटल मिक्सचर होगा वो बराबर होगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क ये लिख सकते हैं आप, ये आपका फॉर्मूला। तो आप इन दोनों का रेशियो इसके बराबर आप कर सकते हैं, बस इतना आपको यहाँ समझना है। आप चाहें तो यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, तो आप यहाँ पे आप चाहें तो एक चीज़ आप इसको ना लिख के, ऐसे तो आप इसको लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे आप इसको ना लिख के आप यहाँ पे आप कह सकते हैं टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर मिक्सचर टोटल मिक्सचर गुना, क्यों क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है वो टोटल मिक्सचर के बराबर है, तो आप यहाँ भी आप चाहें तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिक्सचर ना लिख के क्या लिख सकते हैं, टोटल मिक्सचर, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप यहाँ पे चाहें तो कुल मिश्रण लिख सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लिख सकते हैं, मतलब शुरुआत में मिल्क कितना था ये लिख सकते हैं, नहीं तो टोटल मिक्सचर, क्योंकि दोनों सेम रहेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जब एक ही चीज़ एक ही मात्रा निकाल के जब एक ही मात्रा डाली जाएगी पानी के, तो इस तरह में एक मिक्सचर और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर दोनों नहीं चेंज होता है, तो यहाँ पर मिटाया जाएगा। अब इसी को आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको सिखा रहे हैं, तो दोनों दिमाग में रखिएगा, आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन आपको लिया जा रहा है, एसएससी का एक क्वेश्चन है, लिखा है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है, मान लीजिए एक बर्तन यहां लिया जा रहा है,
लिखा जा रहा है इसमें 80 लीटर दूध है, इस बर्तन में 80 लीटर दूध है, उसमें से 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया है। मतलब ये 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया। मतलब 8 लीटर निकाला गया दूध और 8 ही लीटर पानी मिला दिया गया, प्लस 8। उसके बाद आप यहां देखिएगा, फिर बोल रहा है यही प्रक्रिया दो बार और दोहराएगी। तो दो बार और दोहराई गई, इसका मतलब पहले एक बार और दो बार और, तो तीन बार हो गया। तो दो बार और दोहराएगी, तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह गई है। तो दूध मतलब ये प्रक्रिया करने के बाद लास्ट में अंत में जो दूध की जो मात्रा है वो कितनी रह गई है। तो इसको बनाने के जो तरीके हैं हम लोग अभी अभी फार्मूला सीखे उस पर लगाएंगे हम लोग। तो जो फार्मूला सीखे हम लोग क्या सीखे हैं आप देखिएगा। अब आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के जो सही तरीके और कैसे बनाएंगे, कैसे कैसे अप्रोच रहेंगे। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 80 लीटर दूध है, इसमें से 8 लीटर दूध निकालकर 8 लीटर पानी मिला दिया जा रहा है, और यह प्रक्रिया दो बार और दोहराया गया, इसका मतलब कुल मिला के तीन बार यही प्रक्रिया किया गया। बार बार 8 लीटर निकाला गया, 8 लीटर डाला गया, 8 लीटर निकाला गया, डाला गया। तो ऐसे होगा क्या आप देखिए। तो हम लोग अभी अभी फार्मूला पढ़े हैं, और फार्मूला में क्या पढ़े हैं आप देखिए, पढ़े हम लोग कि क्वांटिटी क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट बटा में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इनका रेशियो हम लोग पढ़े, इन दोनों का हम लोग रेशियो पढ़े। रेशियो क्या होगा बराबर, तो हम लोग रेशियो में पढ़े वन माइनस मिक्सचर रिप्लेस इस टाइम। तो हर बार हम लोग कितना रिप्लेस कर रहे हैं, 8 लीटर निकाल के 8 लीटर मिला दे रहे हैं, 8 लीटर निकाल के 8 लीटर मिला दे रहे हैं। तो जो निकाली गई मात्रा है आपको यहाँ रखनी है, और बटा में हम लोग पढ़े थे टोटल मिश्रण, टोटल मिक्सर। तो टोटल जो मिक्सर होगा वो 80 लीटर के बराबर होगा, ये चेंज नहीं होगा, जितना शुरू में था उतना ही है, निकल रहा है आ रहा है। मतलब 8 लीटर दूध निकला, 8 लीटर पानी मिलाया गया, फिर जो दूध और पानी का मिश्रण बना उसमें से फिर 8 लीटर निकाला गया और फिर 8 लीटर पानी मिलाया गया। तो इस तरह होता क्या है कि जितने मिश्रण, जैसे ये 80 लीटर दूध है तो लास्ट लास्ट तक 80 लीटर ही मिश्रण होता है। बस इसमें जो केवल ये प्योर दूध है वहाँ पानी और दूध दोनों मिल जाता है, क्योंकि हम लोग दूध निकाल के पानी मिला रहे हैं हर बार। तो इस चीज़ को समझिएगा कि जो टोटल मिक्सचर होगा वो कितना है आपका, 80 लीटर के बराबर है, और ये प्रक्रिया कितनी बार, तीन बार। तो ऐसे हो गया तीन पावर में तीन, क्योंकि तीन बार ये किया गया है। अगर आप देखेंगे तो 8 से ये कितना बार में जाएगा, 10 बार में। तो जो हमारा रेशियो आएगा 10 से कम 10 और 1 निकल गया तो 9/10, तो यहाँ जो आएगा 9/10, तो 9/10 गुना 3 बार, 9/10 गुना 9/10, कुछ कटेगा नहीं। तो जो हमारा बना, हमारा जो रेशियो बना वो आपको दिख रहा होगा कि 9 गुना 9 गुना, तो 3 बार, तो 9 का क्यूब 729 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहे हैं आपको, यहीं पे लिख दे रहे हैं कि जो 9 का क्यूब होगा 729 हो जाएगा, और जो ये 10 गुना 10 गुना 3 बार है ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो इसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी, तो देखिए आप चाहें तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं। तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट हमको मालूम नहीं है कि ये प्रक्रिया करने के बाद लास्ट में, इसका मतलब ये है ना, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क मिल्क लेफ्ट, इसका मतलब है कि अंत में ये प्रक्रिया करने के बाद अंत में प्योर मिल्क उसमें कितना बचा ये वो बताता है। तो ये तो हमको मालूम नहीं है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट नहीं मालूम है, और बटा में आप देखेंगे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, तो ये पता है आपको कि 80 लीटर है, मिश्रण भी 80 लीटर होगा और इनिशियल भी, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क भी 80 लीटर होगा। तो ये 80 रख दिया गया, और बराबर में आपको दिखेगा कि ये 729 बटा में कितना हो जाएगा, 1000। तो अगर आप इसको बनाएंगे तो कुछ कुछ कट जाएगा, काट लेते हैं।
ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो अगर हम निकालें यहाँ पे क्वेश्चन, तो यहाँ पे अगर बनाएं तो कितना आएगा, तो क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट बराबर, ये 8 से उसमें गुना होगा तो 9 अठे 72 का 2 हाथ में 7, 8 दुनी 16, और 16 और 7 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3 हाथ में 2, 8 सत्ते 56 और 56 और 2 58 और बटा में कितना है 100, तो इसको बनाएंगे तो आएगा 58.32 लीटर। तो यही आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप देख लीजिए एक बार कि कैसे कैसे बनाना है, कुछ किए नहीं हम लोग, अगर इसको ध्यान दे तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। 80 लीटर दूध था, 8 निकाल रहे थे दूध, 8 पानी मिला रहे थे, तो इसी प्रक्रिया में यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी ऑफ प्योर, ये फॉर्मूला हम आपको बताइए, फॉर्मूला कैसे आता है ये जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको काम भी नहीं है कहाँ से कैसे आया है, आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन बनेगा कैसे और जल्दी कितना जल्दी बनेगा, इसका प्रूफ जान के कीजिएगा क्या। तो क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट और बटा में इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क का जो रेशियो होगा वो इसके बराबर होता है। हमने यहाँ से निकाला इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क 80, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो यहाँ 80 यहाँ क्यों रखा गया, टोटल मिक्सचर जो होता है इस कंडीशन में जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है और जो मिक्सचर है दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट कितना आ गया 58.32 लीटर। अगर आप चाहते तो इसमें अगर कोई आपसे पूछ दे कि यहाँ पानी कितना होगा, पानी अंत में पानी कितना, तो आप क्या करेंगे 80 में से आप 58.32 माइनस कर देंगे तो वही आपका वाटर आ जाएगा, ये क्या आया मिल्क आया। अब देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं, इसका और बेहतरीन आपको बताते हैं कि हम लोग रेशियो को यूज़ करके कैसे और अच्छा बना पाएंगे, इसको दिखाते हैं आपको, इसी क्वेश्चन को दिखाते हैं, आप इसको ऐसे कर लेंगे इससे अच्छा रहेगा। ये तो फॉर्मूला हो गया, वो भी यही है लेकिन आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें क्या करना रहता है, 8 लीटर निकाले थे, 80 लीटर था, तो हम लोग ये देखेंगे 8 जो है 80 का कितना भाग है, तो आएगा 1/10। इसका मतलब ये है कि 10 था और 1 निकल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 था और 1 कम हो गया तो 9 हो गया, 10 से 9 हो गया, ये 1 ये जो कम हुआ ये 1 कम ही दिखाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोग हमेशा निकाल रहे हैं, तो 10 था 1 कम हो गया तो 10 से 9 हो गया, फिर एक बार और 10 से 9 और एक बार और 10 से 9, क्योंकि ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे 10 से 9, 10 से फिर 9, फिर 10 से 9, 3 बार, इसीलिए 3 बार लिखाया, 3 बार ये हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो कुछ कट नहीं रहा है, कुछ कटने का मतलब ये है कि केवल ऊपर नीचे नहीं कटता, यहाँ आप इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, इसको इससे काट सकते हैं, आप इसको भी इन तीनों से काट सकते हैं, इसको भी इन तीनों से काट सकते हैं, और ये तीनों भी इधर इधर कटेगा, केवल ये लोग ऊपर नीचे नहीं कटता है, ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, 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 ये आप जानते भी होंगे ये मेथड आप। तो अगर हम लोग देखें यहाँ तो क्या होगा, तो 10 × 10 × 10 ये तीनों को गुना किया जाता है, कटेगा नहीं तो गुना कर लेंगे, तो ये आएगा 1000, और यहाँ 9 × 9 × 9 कितना आएगा 729 आएगा। तो इसमें क्या क्या होता है आप समझिए, ये जो आपका आता है, ये जो 1000 आया है, ये 1000 यूनिट, आप इसको समझिएगा ये यूनिट में, 1000 यूनिट जो आया है, ये जो होता है ये आपका यहाँ इनिशियल इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है, ये जो 1000 यूनिट दिख रहा है, आप यहाँ चाहें तो यूनिट लगा सकते हैं, ये जो 1000 यूनिट दिख रहा है, ये 1000 यूनिट जो है वो क्या है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, मतलब शुद्ध दूध की मात्रा कितनी थी शुरुआत में, इनिशियल मतलब प्रारंभ में। अच्छा अगर कोई बोलेगा ये क्या है, तो ये आपका है क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट, मतलब ये अब इतना बचा है, मतलब ये प्रक्रिया करने के बाद अंत में इतना प्योर मिल्क बचा है, शुरुआत में इतना था प्योर मिल्क और बचा कितना है, अब इतना बचा है। तो और इन अगर कोई बोलेगा कि इनका जो डिफरेंस है वाटर कितना होगा, तो वाटर जो होगा इनके डिफरेंस के बराबर होगा, ये भी आप चाहें तो यूनिट में लिख सकते हैं, तो ये 1000 यूनिट
था और हो गया है 729 यूनिट, और जो इनका डिफरेंस होगा वो वाटर का यूनिट शो करेगा। तो इनका जो डिफरेंस है यहाँ कितना हो जाएगा, अगर आप घटाएंगे तो 30 है तो 70, 71, तो 271 यूनिट। ये 271 यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे ये जो है 271 यूनिट जो शो कर रहा है, ये क्वांटिटी ऑफ वाटर, वाटर की क्वांटिटी। आप इस डिटेल से ज़्यादा आप फास्ट बना पाएंगे। उसी देखिए वही चीज़ है, वहाँ भी आप देखेंगे ये जो है हम लोग जो किए थे वहाँ क्या आया था, 9/10, 9/10, 9/10 यही तो आया था, और यहाँ भी तो वही आया है आप देखिए। तो दोनों एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं कि अलग है, लेकिन आप इससे बनाएंगे तो जल्दी बन पाएगा आपका। तो अब देखिए इसमें, इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, देखिए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क जो है वो कितना है, यहाँ 1000 यूनिट है और यहाँ पे 80 लीटर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ बनाने के लिए हम लोग ऐसे करेंगे कि 1000 यूनिट जो है वो 80 लीटर के बराबर है, और हमको चाहिए क्या था इस क्वेश्चन में, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट। तो हमको ये चाहिए था कि अंत में जो शुद्ध दूध की मात्रा है वो कितना बचा, तो यहाँ 729 यूनिट है, तो हम लोग 729 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। कितना होगा नहीं मालूम था, एक्स लीटर ये गया ये गया, आप चाहें तो ये 0 0 काट के आप क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ भी वही आएगा, आएगा 100x बराबर, ये 8 से गुना 9 है 72, 2 7, 8 दूनी 16, 7 23, 3 हाथ में 2, 8 सत्तर 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, और x बराबर ये पॉइंट उधर चला जाएगा, 100 से भाग लगाइए तो आ जाएगा 58.32 लीटर। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको काफ़ी सुविधाजनक है और काफ़ी इजी बनेगा, कुछ किया नहीं जाता है। जितना लीटर निकालना है उसको ऊपर लिख लीजिए और जितना टोटल है उसको नीचे, और यहाँ 1/10 आएगा, इसका मतलब ये 10 था और ये कम हो गया, तो 10 से कम हो गया, तो 10 से कम हो गया, तो 10 से ये 9 हो गया, फिर 10 से 9, फिर 10 से 9, क्योंकि 3 साल बाकी। आप देख रहे हैं, आप देख लीजिए इसको बनाने के तरीके, ये मिटाया जाएगा। इसको बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, हम लोग करते हैं क्या है, देखिए ये जो रेशियो आता है ना, एक्चुअली रेशियो है लेफ्ट अपॉन टोटल, जो हम लोग अभी अभी निकाल रहे हैं ये सब जो भी रेशियो निकाल रहे हैं, एक्चुअल में जो रेशियो है देखिएगा, हम हमारा जो फार्मूला है, जैसे कि फार्मूला एक बार एक चीज़ और समझिए, आपको बहुत आगे फायदा देगा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में। जैसे हम लोग कर क्या रहे हैं, जैसे हम लोग को चाहिए, जैसे कि यहाँ लिख दे रहे क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट, और बटा में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इनिशियल, इनिशियल को आप टोटल भी बोल सकते हैं, दोनों सेम होता है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इसी का रेशियो निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये होता क्या है ना, हम लोग जो काम करते हैं एक्चुअल होता क्या, देखिएगा हम लोग लिखते हैं वन माइनस ये मान लीजिए ए निकालें ए एक्स, ऐसे मान लीजिए ऐसे। तो एक्चुअल में होता क्या है, हम लोग ऐसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ ए जो है वो ए माने हैं निकाली गई मात्रा, एक्स क्या माने हैं टोटल मिक्सचर। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो एक्स से वन में गुना करके माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा क्या, x माइनस ए और नीचे में x, ये x माइनस ये जो आया है ये आपका है क्या, लेफ्ट मिक्सचर है, और ये क्या है टोटल मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ये लेफ्ट ही ना है, कैसे लेफ्ट, क्योंकि हमने a निकाला तो टोटल x था, तो x में से निकाली गई मात्रा तो लेफ्ट। तो एक्चुअल हम लोग लेफ्ट अपॉन टोटल पे ही बात करते हैं हमेशा, हम लोग लेफ्ट बटा में टोटल, हम लोग क्या किस पे हमेशा बात करते हैं, लेफ्ट अपॉन टोटल मिक्सचर। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं क्या कि लेफ्ट अपॉन टोटल। तो देखिए अगर हम लोग 80 है 8 निकाल लिए, 80 में से 8 निकाल लिए तो बचा कितना 72, और फिर 8 मिला देंगे तो 80 हो जाएगा, इसका मतलब मिक्सचर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो 8 निकाले तो 72, फिर 8 मिला दिए तो टोटल मिलकर 80, फिर यही प्रक्रिया, फिर 8 निकालेंगे तो फिर 72, और फिर नीचे 80 जोड़ेंगे तो उतना ही मिला देंगे, फिर 72, फिर 80। एग्जैक्ट हम लोग कर क्या रहे हैं, तो लेफ्ट अपॉन टोटल,
लेफ्ट मिक्सचर अपॉन टोटल, लेफ्ट मिक्सचर अपॉन टोटल, यही चीज कर रहे हैं आप। इसको भी काटेंगे तो 8 × 9 = 72, 8 × 10 = 12, आप देखिए एग्जैक्ट हम लोग कर रहे हैं क्या, लेफ्ट अपॉन टोटल पे बात कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। कितना लेफ्ट बचा, टोटल कितना है, तो इससे भी आप उस तरह के रेशियो को निकाल सकते हैं, इन दोनों का रेशियो। तो आपको तीन तीन मेथड आपको बता दिए, आप किसी भी मेथड से बना लीजिएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, हम और भी क्वेश्चन पे बात करेंगे इसमें और भी तरीके से। तो ये आपको डिटेल दिए हैं आपको कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे अच्छे चीज़ें सीखेंगे। तो देखते हैं इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी में। तो मैंने आपको काफ़ी सारा आपको हर तरीके से बता दिया, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए उसको यूज़ कीजिए। और देखिए हम लोग सीखते हैं आगे क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं इस तरह के। इसमें देखिए क्या बोला है, कह रहा है एक पात्र से जिसमें 100 लीटर शराब है, मान लीजिए एक पात्र है इसमें 100 लीटर शराब है, शराब दिया है 100 लीटर शराब। देखिए वहां दूध देता था, यहाँ शराब दिया है, कोई उससे फर्क नहीं होगा। इसका मतलब आप जहां पर निकालते थे ना कि क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट, वहां निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ प्योर शराब लेफ्ट, वाइन, आप वाइन बोल लीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि 10 लीटर शराब निकाल ली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया, मिश्रण से 10 लीटर फिर निकाल ली गई और पानी की मात्रा उतनी ही मात्रा डाल दी गई, शराब तथा जल का अंतिम अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसमें बोल क्या रहा है, क्वेश्चन को आप समझिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें से 10 लीटर निकाला गया और 10 लीटर फिर मिला दिया गया, मतलब 10 लीटर शराब निकाल के और 10 लीटर क्या मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया, और ये प्रक्रिया आपको दो बार की गई है। तो इसको बनाने का हम आपको जो मेथड बताएं ढेर सारा बताएं, पर सबसे अच्छा क्या रहेगा आप देखिए, हम लोग यहाँ देखेंगे 10 लीटर निकाला, टोटल कितना है 100, तो 10 upon 100, तो अगर काटेंगे तो यहाँ आया 1/10 भाग। इसका मतलब 1/10 भाग का मतलब होता है कि टोटल 10 था और 1 निकाल लिया गया है, क्योंकि 10 निकाली गई मात्रा ऊपर रखे थे, तो 10 था और 1 निकाल लिया गया, तो जो हमारा अनुपात तो बैठेगा 10 था 1 निकाल लिया गया, तो 10 से 1 कम हुए तो 10 से 9 हो गया और फिर 10 से 9 हो गया। तो अगर हम यहाँ देखेंगे कुछ कट तो नहीं रहा, ऐसे ऐसे सब सिखाए हैं कैसे कैसे कटता है, तो 10 × 10 यहाँ कितना यूनिट हो गया, यहाँ 100 यूनिट हो गया, और यहाँ 9 × 9 कितना यूनिट हो गया, 81 यूनिट हो गया, ये 81 यूनिट। तो जो हमको मांग रहा है वो मांग क्या रहा है आप समझिएगा, यहाँ बोल रहा था क्वेश्चन में कि हमको अंतिम अनुपात चाहिए, अंतिम अनुपात चाहिए किसका, तो शराब और पानी का अंतिम अनुपात चाहिए, मतलब ये दो बार प्रक्रिया करने के बाद शराब और पानी का अनुपात चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो हम आपको बता चुके हैं कि ये जो 100 यूनिट आता है, ये 100 यूनिट आता क्या है, तो ये तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिक्सचर है, तो प्योर शराब हो जाएगा, यहाँ लिख भी दे रहे हैं ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर शराब को हम यहाँ वाइन लिख दे रहे हैं, प्योर वाइन, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन, वाइन शराब का अंग्रेजी शब्द है। यहाँ देखिए 81, ये 81 यूनिट क्या है हम आपको बताए हुए, यहाँ लिख भी दे रहे हैं 81 यूनिट क्या होता है, तो ये 81 आपको पता है, ये क्वांटिटी ऑफ प्योर लिख दे रहे हैं, प्योर शराब, क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन लेफ्ट, ये जो आया 81, ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन लेफ्ट, मतलब ये दो बार प्रक्रिया करने के बाद अभी भी वाइन कितना, प्योर वाइन कितना है उसमें, क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, 10 लीटर निकाल रहे हैं शराब और फिर 10 लीटर पानी मिला दे रहे हैं, फिर जो मिश्रण तैयार हो रहा है शराब और पानी का, उसमें से फिर से 10 लीटर निकाल रहे हैं मिक्सर और फिर पानी मिला दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग दो बार किए हैं, इसीलिए दो बार लिखे हैं। तो अगर आप देखेंगे इतना, तो मांग रहा था कि अंत में शराब और पानी, तो शराब जो होगा प्योर वाइन जो अंत में होगा वो 81 यूनिट होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको सीधा डायरेक्ट 81, क्योंकि अनुपात निकालना है सीधा यूनिट यूज कीजिए। और पानी तो हम आपको बताए हैं कि इन दोनों का डिफरेंस ही वाटर होगा, तो आप देखिए यहाँ 100 यूनिट था शुरू में वाइन, प्योर वाइन, और बाद में 81 हो गया, तो यहाँ 100 से 81 हो गया, तो कितना यूनिट यहाँ वाटर दिख रहा है, 19, 19, आप घटा लीजिएगा 100 में से 81 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 19,
तो आपको जो आंसर होगा शराब और पानी का जो अनुपात होगा बाद में अंत में वो 81:19 होगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। और देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, इसको मिटाया जाएगा। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ 90 लीटर दे रहा है, यहाँ 90 लीटर दूध था, प्योर दूध जो है वो 90 लीटर है, एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, और कह रहा है कि 18 लीटर इसमें से निकाल कर दूध, 18 लीटर इसमें से दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया गया, और यह प्रक्रिया तीन बार दोहराई गई। तो अगर यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई है तो कैसे बनाएंगे, आपको जो सिखाए हैं उसी मेथड से, और मांग रहा है लास्ट में देखा जाएगा, सब सीख लिया जाए क्या क्या निकल सकता है हम लोग सब देख लेंगे, ऐसे वहाँ पे लेफ्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क मांग रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो 18 लीटर यहाँ दिख रहा है, 18 लीटर निकाला गया और टोटल कितना था 90 लीटर। आप अगर देखेंगे तो 18 90 का कितना भाग है, तो 18 5 90 1/5, इसका मतलब टोटल मिक्सचर जो है वो टोटल 5 है और 1 निकाल लिया गया, तो 5 से 1 निकाल लिया गया, तो 5 से 4, फिर 5 से 4 और फिर 5 से 4, ये 3 बार दोहराया गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो यूनिट आएगा वो कितना आ जाएगा, 50 25 25 25 125, कुछ कट नहीं रहा है इधर उधर, तो इसीलिए ऊपर नीचे नहीं कटता है, ऊपर नीचे नहीं कटता, क्रॉस कटता है, सामने आमने सामने कट सकता है, इधर ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तो 50 25 25 25 125, 5 का क्यूब हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा 4 का 64 हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर मांगना है आपको तो कैसे यहाँ बनाएंगे, अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ मांग रहा था आपको कि शुद्ध दूध की मात्रा जो अंत में बची है, यहाँ निकाल लिया जाए, ये वाला आपको निकालना है। तो देखिएगा हम लोग कर क्या रहे हैं, देखें करेंगे क्या कि 125 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, ये 125 यूनिट वो 90 लीटर के बराबर है, क्योंकि ये इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क है, प्रारंभ में दूध की जो मात्रा है उसका यूनिट शो करता है ये, तो 125 यूनिट 90 लीटर के बराबर है, तो 125 यूनिट 90 लीटर के बराबर बराबर। अगर आप देखेंगे तो हमको चाहिए क्या कि प्योर मिल्क लेफ्ट, तो प्योर मिल्क लेफ्ट ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद जो शुद्ध दूध है वो कितना यूनिट बचा है, 64, तो हम लोग को 64 यूनिट का वैल्यू चाहिए, 64 यूनिट का वैल्यू चाहिए। तो अब मान लेंगे 1 लीटर, अगर हम देखें तो ये ख़त्म कर लीजिए, अगर काटेंगे तो 5 से कटेगा, 5 2 10 बचा 25, अगर इसको 5 से काटेंगे तो 5 से ये भी कटेगा, 5 एकम 5 और 8 5 18, आगे अब देखेंगे तो अब तो नहीं कट रहा है, तो सॉल्व कर लीजिएगा x बराबर यहाँ पे आपको कितना आ जाएगा, अगर हम लोग करें तो यहाँ पे x बराबर आपको लगभग 48 point something आएगा, देख लीजिएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए कैसे बनेगा, आगे हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, कई दिक्कत होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और भी क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन का वैरायटी बदला जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ आंसर 46 point something होगा, गुना करके कर लीजिएगा, यहाँ 46 आएगा ऑप्शन में, 46.08 आएगा, यहाँ देख लीजिएगा कैलकुलेशन है, गुना करके भाग लगाना है आपको, करना है। मिटा रहे हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं कि इसमें और भी कैसे कैसे आते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे आते हैं, लिखा रहेगा
लिख रहा है कि शुद्ध दूध में भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकाल कर उतना ही मात्रा का पानी डाल दिया जाता है। मतलब यहाँ ये नहीं बताया है कि यहाँ कितना लीटर शुद्ध दूध है, ये नहीं बताया है, लेकिन कह क्या रहा है कि 20% दूध निकाला गया है और उतना ही पानी डाले, मतलब 20% ही डाल दिया गया है, पानी को निकाल कर उतना ही मात्रा डाल दिया गया है, तथा यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितना रह जाती है, और परसेंटेज में मांग रहा है कितना दूध रह जाएगा शुरू में। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका, तो देखिए इसमें कुछ करना नहीं होता है, यहाँ दिया नहीं है लीटर में, तो आपको लीटर में मांग नहीं सकता है, आपको परसेंट मांग सकता है, नहीं तो दूध और पानी का अनुपात मांग सकता है, दोनों में से यही दोनों में से कुछ मांगेगा। तो 20% निकाला गया, तो 20% तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, इसका मतलब 20 × 5 = 100, इसका मतलब ये है कि ये 1:5, ये 1/5 आया, इसका मतलब क्या होगा, फिर हम लोग बना लेंगे ये प्रक्रिया 3 बार, तो वही तरीका हो जाएगा, 5 से 1 गया तो 5, यहाँ 4, फिर 5 × 4, फिर 5 × 4, अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब आपका स्पीड बढ़ेगा क्योंकि आपको समझ में आने लगा है, ये 125 के आपको पता है, ये 64 के आपको पता है। तो अगर हम देखें तो इसमें मांग क्या रहा है कि परसेंटेज मांग रहा है प्योर मिल्क का, प्योर मिल्क लेफ्ट, जो अंत में प्योर मिल्क बचा है उसका परसेंटेज मांग रहा है। तो देखिए ये यही यूनिट होता है जो बचता है इतना, तो 64 जो मांगे परसेंटेज मांग रहे हैं तो 64, और टोटल आपको दिख रहा है कितना, 125 और गुना में 100, 25 × 25 = 2400, गुना कीजिए 6 × 16 = 6 6 × 24 = 25 / 25, 50 × 25, 5 × 5 और 0.2, तो इसका मतलब प्योर मिल्क लेफ्ट कितना परसेंट रह गया, 51.2%। तो आप देख लीजिए ये भी एक तरीका है, इसमें परसेंट दिया रहता है, इसमें कुल लीटर कितना नहीं देगा, तो लीटर नहीं देगा ना तो लीटर में नहीं मांगेगा, यहाँ ये मांग सकता था, ऐसे तो यहाँ यही मांगा, यहाँ ये मांग सकता था कि आपको बताना हो जाता कि अंत में मिल्क और वाटर का अनुपात बताइए, ये मांग सकता था कि ये प्रक्रिया 3 बार करने के बाद मिल्क और वाटर का अनुपात, आपको दिख रहा है जो मिल्क बचा है वो 64 है और वाटर, तो वाटर इन दोनों का डिफरेंस ही वाटर होता है, तो अब देखेंगे डिफरेंस, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 61, तो घटा लीजिएगा 61 आ जाएगा, तो 61 मतलब मिल्क यहाँ कितना हो गया 64 और वाटर हो गया 61, आप यहाँ देख लीजिए आगे बढ़ जा रहे हैं। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, परसेंटेज में भी आपसे बन जाएगा। एक ऐसे कभी कभी बोल देता है कि एक टैंक दूध से भरा है, देखिए एक टैंक दूध से भरा है, पर फिर नहीं बताया यहाँ दूध कितना होगा, नहीं बताया, फिर कह रहा है उसका आधा दूध बेचकर उसे उसे पानी से भर पूरा कर दिया जाता है, पुनः आधा दूध बेचकर उसे पानी से भर कर पूरा कर दिया जाता है, तीसरी बार उसे फिर आधा बेचकर पानी से पूरा कर दिया जाता है, इस स्थिति में टैंक के अंदर दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए वही क्वेश्चन है, आधा बोला है, आधा का मतलब आप जानते हैं हाफ होता है, आधा का मतलब हाफ होता है, इसका मतलब 1/2, यानी तो 50% भी आप लिख सकते हैं, आधा बोला है तो ठीक है 1/2, अगर नहीं तो 50% आधा मतलब 50%, तो परसेंट हटाइएगा तो फिर ये तो 1/2 ही हो जाएगा, तो आप आधा सीधा लिख लीजिए 1/2, इसका मतलब आधा निकालने का मतलब है क्या कि 1/2, तो इसका मतलब 2 था और 1 निकाल लिया गया, तो 2 था और 1 निकाल लिया गया तो 1 ही बचा, और ये प्रक्रिया 3 बार, तो फिर 2 था 1 बचा, फिर 2 था फिर 1 बचा, तो यहाँ अगर हम देखें तो 2 × 4 = 8, और यहाँ गुना करेंगे तो कितना 1 ही रह जाएगा 1 से, तो ये जो आया है ये आपको पता है ये क्या है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर, और ये क्या होता है कि लेफ्ट, अंत में कितना दूध बचा है, ये शुरुआत में 8 था और 1 अभी 1 है, तो कह रहा है कि जो लेफ्ट है उसका परसेंटेज बताइए, प्योर मिल्क लेफ्ट जो है उसका परसेंटेज मांग रहा है, तो कितना है वो 1 यूनिट है, तो 1 ऊपर रख दीजिए और टोटल आपको जो है वो कितना है 8, 8 पहले था और 1 हो गया है,
एक ऊपर और टोटल मिश्रण कितना है 8 वो नीचे और गुना में 100, तो आप इसको काटेंगे 4 दूनी 4 से 25, 2 से काटेंगे तो 12.5, तो इसका मतलब आंसर जो हो गया वो कितना हो गया 12.5%, तो आंसर कितना हो गया 12.5%, ये उत्तर हो गया। आप देख लीजिए इसको, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको काफ़ी इजी लगता होगा और इसी तरीके से बनाइए, ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, थोड़ा सा और बदल दिया जाएगा क्वेश्चन को, काफी वैरायटी वैरायटी का कंडीशन होता है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है, ये क्वेश्चन में कहता है मदिरा के एक बर्तन में 10 लीटर मदिरा निकाली गई है, फिर उसे पानी से भर दिया गया है, तत्पश्चात उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उसके बदले पानी से भर दिया गया है, फलतः बचे हुए, मतलब ये दो बार किया गया है, 10 लीटर निकाल के उसको फिर पानी से भर दिया, मदिरा मतलब शराब होता है, कह रहा है फलतः बचे हुए मिश्रण में, मतलब जो अंत में बचा है, अंत में यहाँ लिख दे रहे हैं, अंत में मदिरा और जो पानी है उसका अनुपात दिया हुआ है, मदिरा 144 यूनिट दिया है और पानी जो दिया है वो 25 यूनिट दिया है, और शुरू में कितना था ये नहीं बताया, यही मांग रहा है कि कितना था बताइए, यहाँ मिश्रण कितना था बताइए, कितना लीटर का था नहीं मालूम, वाट लीटर, और आप कर क्या रहे हैं, 10 निकाल रहे हैं और 10 डाल रहे हैं, और ये प्रक्रिया आपने दो बार किया है, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो काफ़ी इजी वे में हम लोग बना लेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, वही फार्मूला लगेगा, देखिए अगर आप देखेंगे तो 10 निकाला गया था, एक्चुअल में 10 लीटर निकाल के फिर 10 भर दिया गया है, ये चीज़ याद रखिएगा, 10 लीटर निकाली गई मात्रा है, फिर माइनस और 10 लीटर फिर भर दिया गया, तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखिए हम लोग के पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो क्वांटिटी ऑफ प्योर, यहाँ मदिरा है तो मदिरा को आप वाइन लिख सकते हैं, दूध की जगह मदिरा दे देता है, कभी आपको कुछ और दे देगा तो उसको आप दूध ही मानेंगे, जो दे देगा शुरू में वो प्योर मिल्क होगा तो मिल्क, मदिरा होगा मदिरा, अगर कोई चीज़ और होता है तो उसी को मान लेंगे, और नीचे इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन बराबर क्या होता है, तो हम लोग सीखे 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है 10, और बटा में आप लिख सकते हैं टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर, और ये कितनी बार की गई 2 बार, तो यहाँ पावर में 2। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन, इसको आप कोई दिक्कत नहीं, आप इसको टोटल मिक्सचर भी ले सकते हैं और आप इसको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, तो अगर हम लोग देखें तो प्योर मिल्क क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, ये लेफ्ट लिख लीजिए लेफ्ट, तो क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट कितना है, तो जो मिल्क है वहाँ वाइन दिया हुआ, सॉरी वाइन लेफ्ट, तो वाइन कितना है यहाँ 144, तो यहाँ हम 144 लिख सकते हैं यूनिट में, और बात रहा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन, तो हम इनिशियल शुरुआत में कितना था, तो देखिए शुरुआत में कितना था, जितना टोटल मिश्रण होगा उतना ही शुरुआत में था, तो अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन के जगह पे क्या लिख सकते हैं कि टोटल मिक्सचर, हम यहाँ लिख सकते हैं दोनों सेम होता है, आप यहाँ पर हम एक बार लिखवाए भी थे कि जब एक ही चीज़ निकाला जाता है और ये मतलब 10 ही लीटर निकाला गया, 10 ही लीटर मिलाया गया, तो इस कंडीशन में आप लिख सकते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन जो होगा वो बराबर होगा किसके, तो टोटल मिक्सचर के, आप यहाँ लिख सकते हैं, आप टोटल मिक्सचर निकाल लेंगे तो भी इनिशियल वाला आ जाएगा, अगर आप इनिशियल निकाल लेंगे तो भी टोटल आ जाएगा, तो ये चीज़ आपको हम बताए हैं कि आप ये दोनों बराबर होता है, क्यों बराबर होता है, क्योंकि एक ही 10 लीटर निकाले 10 लीटर डाले तो जो मिश्रण है वो नहीं चेंज होता, लेबल नहीं कम होगा, 10 निकला फिर 10 आ गया, फिर 10 निकला 10 आ गया, तो होता क्या है मदिरा
कम होते जाता है, पानी उसमें बढ़ते जाता है, लेकिन जो बोला जाएगा कि जो मिक्सचर है वो कम हुआ तो नहीं कम हुआ। इसीलिए इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन जो होगा वो टोटल मिक्सचर के बराबर होगा। तो इस चीज़ को समझिए। तो टोटल मिक्सचर कैसे निकलेगा, इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल मिक्सचर मदिरा और पानी को जोड़ देने से कुल मिश्रण कितना है, तो 144 में 25 जोड़ेंगे, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 और 1 इतना हो जाएगा। और अगर आप देखेंगे तो ये 12, तो देखिए इक्वेशन जो बनेगा ये 12 बटा में कितना बनेगा, 169 उधर स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, तो एक्चुअल ये 144 जो होगा वो 12 बन जाएगा, और जो 169 है वो कितना बन जाएगा, 13 स्क्वायर इधर रूट आएगा, बराबर 1 माइनस 10। और टोटल मिक्सचर को हम मान लेते हैं एक्स, ऐसा टोटल मिक्सचर को एक्स मान लिया, और जो टोटल मिक्सचर होगा वही इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर वाइन होगा, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। तो अगर हम इधर वन अगर इसको बना सॉल्व करते हैं तो अगर लिखे तो 10/x बराबर क्या लिख सकते हैं, तो 1 घटेगा तो 1/30, और हम क्रॉस कर लेंगे तो x बराबर 130 लीटर। तो हम कह सकते हैं ये टोटल मिक्सचर जो है वो 130 लीटर का है। और हम ये भी कह सकते हैं कि 130 लीटर टोटल मिक्सचर है तो शुरुआत में जो प्योर वाइन होगा मदिरा जो शुरुआत में होगा वो भी कितना होगा, 130 लीटर होगा। तो आपका आंसर जो होगा वो कितना आ गया, 130। आप चाहें तो इसको और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इस तरह ना लगा कि हम लोग इसी चीज़ को हम लोग इंटरप्रेट करके डायरेक्ट कर लेंगे। देखिए तो डायरेक्ट कैसे कर लेंगे, देखिए इसको डायरेक्ट किया जा सकता है। हम लोग ऐसे कर लेंगे, इसमें रूट में लिख लेंगे क्योंकि रूट तो चलेगा। ध्यान बस देना क्या है, देखिए इसमें जो लिखना है आप लिख लीजिएगा टोटल मिक्सचर, और इसमें लिख लीजिएगा प्योर वाइन लेफ्ट। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखना है कि ये देखिएगा, ये अगर देखा जाए यहाँ क्या हो रहा था, तो अगर हम देखें तो यहाँ कुछ नहीं, टोटल मिक्सचर जो है, अच्छा ये प्रक्रिया 2 बार किया गया है, अगर 2 बार किया है तो यहाँ 2 रखिएगा, अगर ये प्रक्रिया 3 बार किया जाता तो यहाँ पे 2 के जगह हम लोग क्यूब रूट रख लेते, अगर 4 बार किया जाता तो 4th रूट रख लेते, 5 बार किया जाता तो 5th रूट रख लेते। अब टोटल मिक्सचर, तो टोटल मिक्सचर जो आया है वो कितना है, 144 और प्लस 25 तो 169। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये 13 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर हमें प्योर वाइन लेफ्ट 144 दिख रहा है अंत में प्योर वाइन कितना बचा, 144, तो वो कितना आ जाएगा, 12, तो ये आ गया 12। तो देखिए ये हुआ कुछ नहीं, आपको बस यहाँ समझना है कि ये जो इनका जो डिफरेंस होगा कितना यूनिट का है, 1 यूनिट का है। आप यहाँ ये भी समझ सकते हैं कि 13 था शुरू में, 13 था और हो कितना गया है, 12। 13 था शुरू में, 13 यूनिट था और हो गया है 12। तो अगर आप अच्छा इनका जो अंतर होगा वो आप कह सकते हैं जो रिप्लेस है, अच्छा यहाँ कम क्यों हुआ है, क्योंकि हम लोग रिप्लेस कितना किया, 10 लीटर, तो यहाँ देखिएगा यहाँ अंतर कितना यूनिट का है, 1 यूनिट। तो आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि 1 यूनिट जो है वो आपको कितने लीटर क्यों कम है, अगर 13 से 12 क्यों हुआ है, क्योंकि हमने 10 लीटर निकाला है तो 1 यूनिट यहाँ कम हुआ, और हम लोग निकाले कितने थे, 10 लीटर निकाले थे, तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 लीटर के, और आपको शुरुआत में कितना था, 13, तो हम लोग करेंगे 13 यूनिट किसके बराबर होगा, नहीं मालूम तो x लीटर। आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि x बराबर 130 लीटर, देखिए काफ़ी इजी। तो देखिए एक और क्वेश्चन दिखाते हैं इसी तरह। देखिए यहाँ फिर से वो नहीं दिया है कितना है, यहाँ क्या है, पानी से भरा बर्तन में 9 लीटर निकाल के बर्तन, सो दूध और पानी की बात कर रहा है, अंत में दूध और पानी, अंत में यहाँ दूध जो पानी दिया है, दूध और पानी वो देख लीजिएगा क्या दिया है, यहाँ 16:9 दिया है, 9 दिया है, और 9 लीटर निकाल कर 9 लीटर भर रहा है, कितना था यही मांग रहा है। तो अगर इसको बनाया जाए तो शुरुआत में पानी की मात्रा क्या होगी, देखिए क्वेश्चन हम आपको सिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन यहाँ बोल क्या रहा है आप समझिएगा,
यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं आप समझे, इसमें मिटा दीजिए। यहाँ प्योर वाइन के जगह केवल प्योर मिल्क लिख देते हैं। तो अगर देखिए जाए तो इस क्वेश्चन में कैसे बनाएगी, तो देखिए कुछ करना नहीं, अगर वही क्वेश्चन है केवल थोड़ा सा बदला है, दूध और पानी, यहाँ दूध अंत में कितना है 16, पानी 9, तो 16 और 9 25, तो टोटल मिश्रण कितना का हो जाएगा 25 यूनिट का, और ये प्योर मिल्क कितना है 9 है। देखिएगा प्योर मिल्क ना, तो मिल्क 16 है, सॉरी 16 मिल्क है, ये प्योर मिल्क कितना है 16, और ये प्रक्रिया भी दो ही बार दोहराएगी, तो यहाँ क्या बैठेगा 2 और यहाँ भी 2, तो अगर हम लोग यहाँ निकाले तो ये कितना आएगा, ये 5 आएगा और वो कितना आ जाएगा 4, और जो इनका डिफरेंस है वो 1 यूनिट आएगा, और आप देखेंगे 1 यूनिट किसके बराबर है, तो 9 निकाल जितना निकालेंगे उतना ही के बराबर होगा, यहाँ 9 लीटर निकाला गया है तो हम कह देंगे कि 1 यूनिट जो है वो किसके बराबर है 9 लीटर के बराबर है, और आपको चाहिए क्या शुरुआत में, तो हम यहाँ 5 यूनिट निकाल लेंगे, तो 5 यूनिट किसके बराबर, तो आपको दिखेगा यहाँ x का वैल्यू आ जाएगा 9 × 45 लीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखा दिए आपको कैसे कैसे बनाने हैं, देखिएगा ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी के ही कराए जा रहे हैं, तो देखिए कहीं अगर पूछने दिक्कत हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। तो और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कैसे कैसे और क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए अभी तक हमने जितने क्वेश्चन बनाए हैं उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग एक ही चीज़ कर रहे हैं, अगर हम लोग 10 लीटर निकाल रहे हैं तो 10 लीटर ही मिला रहे हैं, फिर 10 लीटर निकाल रहे हैं फिर 10 लीटर मिला रहे हैं, फिर 10 लीटर निकाल रहे हैं फिर 10 लीटर मिला रहे हैं, मतलब एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जा रहा है। लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि हम लोग पहले बार जैसे मान लीजिए 10 निकाले तो 10 डाले, फिर हम लोग 15 निकाल के 15 डाल दिए, फिर हम लोग 20 निकाल के 20 डाल दिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी एसएससी पूछ चुका है और पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम आपको सिखाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए मतलब इसमें होता है क्या, आप देखिए यहाँ बोल क्या रहा है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कह रहा है एक बर्तन में 60 लीटर शराब है, एक बर्तन है इसमें 60 लीटर शराब, एक बर्तन में 60 लीटर शराब है, और कह रहा है 10 लीटर शराब निकालकर उतने ही पानी डाल दिया गया, इसमें से 10 लीटर निकाला गया और उतना ही पानी मतलब प्लस 10, मतलब 10 लीटर निकाल के 10 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर मिश्रण से 6 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया, इस बार क्या किया गया 6 लीटर निकाल के फिर 6 ही लीटर पानी डाल दिया गया, और फिर से 12 लीटर निकाल कर 12 लीटर निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया गया, तो अंत में शराब शेष शराब की शेष मात्रा कितनी रह गई। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे डील करेंगे, तो अभी तक हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें ऐसा नहीं था, हम लोग 10 निकाल रहे थे तो 10 डाल रहे थे और एक ही प्रक्रिया बार बार कर रहे थे, लेकिन ये देखिए इस बार क्या हुआ है 60 लीटर शराब है वो तो है ही, 10 निकाले 10 डाले, फिर लेकिन अगले बार 10 ही नहीं निकाले, अगले बार 6 निकाले 6 डाले, फिर 12 निकाले और 12 डाले। हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे कि कुछ निकाल रहे हैं कुछ डाल रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं कुछ डाल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है 10 निकाल रहे हैं 10 डाल रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं 6 डाल रहे हैं, 12 निकाल रहे हैं 12 डाल रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग कैसे डील करेंगे अब देखिए। तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े हैं उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हम लोग जो बनाते हैं हम लोग क्या फार्मूला पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं 1 माइनस, मान लीजिए निकाली गई मात्रा को ए मान लेते हैं और टोटल मिक्सचर एक्स अब पावर में है, अच्छा हम लोग ये इसी के पावर में एन डाल के बना रहे हैं क्योंकि यही प्रक्रिया बार बार हो रहा है, मतलब एक ही चीज़ निकल रहा है एक ही चीज़ डल रहा है एक ही चीज़ निकल रहा है 10 निकाले 10 डल रहा है, इसीलिए पावर एन क्योंकि यही प्रक्रिया बार बार, लेकिन मान लीजिए पहला बार ए निकाले ए डाले तो इतना, मान लीजिए अगले बार हम लोग बी निकाले और बी डाले तो एक बार और, अगर फिर हम लोग सी निकाले और सी डाले तो ऐसे, अगर और आगे जाएगा अगर और आगे जाएगा तो फिर डी निकालेंगे और डी ही डालेंगे, लेकिन टोटल मिश्रण फिर नहीं चेंज हो रहा है, एक्स 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 देखिए फिर से चेंज हुआ क्या टोटल मिश्रण, नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आप 10 निकाल के 10 डालते हैं तो फिर पहले इतना ही तो हो गया, अगर आप 6 निकाल के 6 डालते हैं तो भी तो फिर पहले इतना ही हो गया, तो आप इस बात को आप समझेंगे कि यहाँ पे टोटल मिक्सचर जो है अभी भी क्या है एक्स है, यहाँ एक्स क्या, अगर कोई बोले यहाँ एक्स क्या माना गया तो एक्स यहाँ टोटल मिक्सचर बोल रहे हैं, टोटल
मिक्सचर को एक्स बोला जा रहा है, तो टोटल मिक्सचर यहाँ चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि हमने जितना निकाला उतना ही डाला है। देखिए 10 निकाला 10 डाला, फिर 6 निकाला 6 डाला, 12 निकाला 12 डाला। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, जिनको नई कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी नहीं बना पाते इस तरह के क्वेश्चन। आप बना पाइएगा, ध्यान से सुनिए। तो ऐसे क्वेश्चन और भी हम लोग इसमें सीखेंगे क्वेश्चन। तो इसमें टोटल मिक्सचर एक्स है लेकिन यहाँ ए क्या है, तो पहला बार जितना निकाले और जितना डाले। ये बी क्या है, दूसरा बार जितना निकाले इतना डाले। सी क्या है, तो यहाँ पावर एन ना दे के ऐसे 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 बार बार लिखाएगा। तो बात वही है, हम लोग देखिए सीखते हैं इसी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आप कह सकते हैं यहाँ भी वही होता है कि लेफ्ट, अगर हम यहाँ अगर यहाँ सॉल्यूशन करें तो एक्स से वन में गुना करके ये घटाएंगे, तो ऊपर में बचा लेफ्ट और नीचे में टोटल। तो लेफ्ट अपॉन टोटल पे ही बात हो रहा है, अभी भी लेफ्ट अपॉन टोटल पे बात हो रहा है। हम आपको शुरू में भी बताए थे कि जितने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे वहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट अपॉन टोटल, लेफ्ट अपॉन टोटल इसी पे बात होता है। तो देखिए इसको बनाने का प्रक्रिया देखिए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहला बार 10 निकल रहा है, 10 लीटर निकल रहा है और टोटल कितना है 60। तो इसका जो आएगा 1/6, इसका मतलब 6 था और एक कम हो गया, तो 6 से 5। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगले बार 6 लीटर निकाला गया है, 6 लीटर डाला गया है, तो हम लोग 6/60, तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे कहेंगे 10 था और एक कम हो गया, तो 10 था और एक कम हो गया तो 9 हो गया। और यहाँ 12 लीटर निकाले हैं 12 लीटर डाले हैं, तो 12/60, तो 12 × 5 = 60, 1/5 से एक, तो हमको दिखेगा ये 5 से कितना हो गया 4 हो। अब यही हो गया, सब सेम है जैसे था वैसे ही है, केवल यहाँ 10 निकला तो 10 ऊपर, अगले बार 6 निकला तो 6 ऊपर, अगले बार 12 निकला तो 12 बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कट रही हैं, इस बार हर बार नहीं कटता तो नहीं काटते थे, पर इस बार कट रहा है। क्या कट रहा है, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, उसके बाद यहाँ कट सकता है, 3 × 9 3 × 2 = 6। आप चाहें तो यहाँ भी काट लेंगे, ये काट ही सकते हैं आप यहाँ से, 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4। फिर आप काटेंगे तो 2 × 1 = 2 2 × 5 = 10। तो इधर साइड अगर देखेंगे तो केवल 5 × 5 = 5 ही रह गया, और इस तरफ देखेंगे तो केवल 3 ही रह गया। तो जो अनुपात आया आपका क्या आया, 5:3 आया, इसका मतलब ये 5 यूनिट आया और ये 3। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये वही चीज़ होता है जो शुरू में हमको बताया गया है कि ये 5 क्या है, तो आपको बोलना होगा कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिक्सचर। तो यहाँ शराब है जैसे 60, तो यहाँ 5 यूनिट जो है वो 60 को शो करेगा, और यहाँ 3 जो है लेफ्ट क्वांटिटी शो करेगा। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, आपकी मर्जी। आप देखिए, और एक और बात आप देखेंगे तो ये कुछ है नहीं, ये इससे अगर आप देखें तो ध्यान से देखें, ये 5 × 3 ये कैसे कटा है क्या है, तो आप उस फॉर्मूला पे डालेंगे तो ऐसे डालना होगा 1, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ साइड में लिख के मिटा देंगे, फिर 1 − 10/टोटल, ये ऐसे जो फॉर्मूला बताएं ऐसे, फिर 1 − 6/60, फिर 1 − 12/60। अब देखिए आप अगर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 6 × 6 और 1 गया तो 5/6, यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 10, 9/10, और यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 12 × 5 = 60 तो 4/5। तो ये 5 से 5 गया, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 अगर काटे तो, और कट रहा है 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो देखिए यहाँ भी 3 × 5 आए, यहाँ भी तो 3 × 5, यहाँ 5 × 3 है ना, 3 यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट आया आपका, ऊपर लेफ्ट होता है और नीचे में क्या होता है टोटल, इनिशियल वाला टोटल होता है 5। इनिशियल क्वांटिटी जो होता है मिश्रण का वो टोटल मिक्सर के बराबर होता है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताए हैं, क्योंकि यहाँ मिश्रण चेंज नहीं होता है। तो यहाँ 5 × 3 ये भी 5 × 3 आएगा, तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बस ऐसे ही बता दिए कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप देख लेंगे फार्मूला पे बैठेगा, पर आप ऐसे ही बनाइए। तो अब देखिए मांग रहा था कि प्योर मिल्क लेफ्ट वाला, तो अगर आप देखेंगे तो 5 यूनिट 60 के बराबर है, यहाँ लिख दे रहे हैं 5 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 60 लीटर के। और आपको चाहिए क्या, अंत में कितना रहा शराब, तो अंत में जो है वो 3 यूनिट रहा, 5 था और 3 हो गया, तो 5 का मतलब 60, तो 3 यूनिट का मतलब कितना नहीं मालूम, तो एक्स लीटर। आप लीटर लीटर काट लीजिए, यूनिट यूनिट काट लीजिए, 5 से ये 12, 12 × 5 = 60,
तो x बराबर बढ़ती 36, तो हम कहेंगे यहाँ जो x आया वो कितना आया 36 लीटर। इसका मतलब जो शराब अंत में जो शराब बचा है वो कितना लीटर बचा है, 36 लीटर बचा है। सेम क्वेश्चन सारे चीज़ें वही, केवल यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, आप देख लीजिए। कोई बोले पाँच क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि शुरुआत में मिश्रण जो था, जो भी मिश्रण शराब जो था शुरुआत में पाँच था, हो गया है तीन। कोई बोले यहाँ पे पानी कितना है, तो पाँच और तीन का अंतर कितना है, दो यूनिट। यहाँ दो यूनिट पानी है, आप दो यूनिट का वैल्यू निकालते हो तो पानी निकल जाता है यहाँ। कोई बोले यहाँ पानी कितना है, तो दो यूनिट का वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ दो रखते तो बढ़ दुनी 24 हो जाता। तो आप इसको देख लीजिए। और क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। इस बार कह रहा है क्या, देखिए इस बार दिया है कि 80 लीटर दूध है और उसमें से 20 लीटर निकाला गया और फिर 20 लीटर डाला गया। 80 लीटर में से 20 लीटर दूध निकाल कर फिर 20 डाल दिया गया। फिर कहा जा रहा है कि 16 लीटर निकाल कर 16 लीटर डाला गया, प्लस 16 माइनस मतलब निकाला प्लस मतलब जोड़ दिया। फिर 30 लीटर निकाला गया और 30 डाल दिया गया, और उसके बाद लास्ट में फाइनली बोल रहे हैं 25 लीटर निकाला गया और 25 लीटर डाल दिया गया। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, अब देखिए कुछ करना ही नहीं है इसमें, एकदम इजी है। लास्ट में बोल रहा है कि अंत में दूध और पानी का अनुपात बताइए, तो अंत में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो देखिए कुछ करना नहीं रहता, क्वेश्चन आपके सामने। अंत में दूध मतलब ये प्रक्रिया चार बार देखिए हुआ है, ये हर बार अलग अलग, 20 निकला 20 गया, फिर 16 निकाले 16 डाले, फिर 30 निकाले 30 डाले, 25 निकाले 25 डाले। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग कैसे डील करेंगे, कैसे बनाएंगे, सब देखा जाए। तो आपको सिखाए थे यहाँ पे, देखिएगा 20 निकाला है तो ऐसे करेंगे कि 20 निकाला टोटल कितना था 80, तो 20 चौके 80, इसका मतलब 4 और 1 कम, तो 4 से 1 कम हुआ तो 4 3। अच्छा यहाँ 16 है तो 16 और नीचे 80, 16 पंजे 80, तो 5 था और एक कम 4। यहाँ 30 था तो 30 था ना, तो 30 बटा में 80 कट गया, तो 8 था और 3 कम हो गया तो 5 हो गया। यहाँ 25 लीटर निकाल के 25 डाला है, तो 25 बटा में 80 कटेगा कुछ, हाँ 25 काट लीजिए 5 16, तो इसका मतलब 16 था और 5 कम हो गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। कुछ चीज़ें इसमें जो कटेगी क्रॉस काटा जाता है, देखिए आप 5 से ये 5 काट सकते हैं, ये 4 से 4 कट सकते हैं, अब नहीं कटेगा, तो 16 128 होगा। और 11 3 33 होगा। आप कह सकते हैं ये क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। अगर कोई बोलेगा ये क्या है, तो आप बोल सकते हैं, आपको सिखाए हैं सब, आप बोल सकते हैं ये प्योर मिल्क क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लिख लीजिए, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट। मतलब आप कह सकते हैं कि शुरुआत में 128 था प्योर क्या मिल्क, और बाद में कितना हो गया, 33 हो गया, मतलब 128 यूनिट से 33 यूनिट हो गया। और अगर आपको मांग रहा है, जो मांग रहा है अंत में दूध और पानी का अनुपात, तो आप देखेंगे आपको सिखाया गया है कि अंत में जो दूध बचा है वो 33 यूनिट है, तो अनुपात मांग रहा है तो डायरेक्ट आप 33 यहाँ लिख दीजिए। और पानी तो आपको पता है कि पानी इन दोनों का डिफरेंस को पानी, तो अगर आप इसका इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, तो 128 में से अगर आप 33 घटाते हैं तो कितना आएगा, 8 में से 3 गया 5,
और ये 9, तो 9 95, तो ये 33 और पानी हो गया 95। तो ये यही आंसर हो गया आपका। कुछ कटेगा तो काट लीजिए, ऐसे तो कट नहीं रहा है, कुछ कटे तो काट लीजिएगा, तो नहीं कट रहा है तो आंसर हो जाएगा दूध 33 और पानी 95। देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलेंगे। और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आपको परसेंटेज में आपको मिल सकते हैं अलग अलग तरीके से, ये मिटाया जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं, देखिए इस बार बोल रहा है कि मिश्रण में 90 लीटर शराब है, मिश्रण में 90 लीटर शराब है, और कह रहा है कि इसमें से 6.66% निकाला गया, इतना परसेंट निकाल कर और इतना ही परसेंट पानी मिला दिया गया। फिर अगले बार कह रहा है कि 28.47%, मतलब इतना परसेंट निकाल कर इतना ही परसेंट पानी मिला दिया गया, और फिर कह रहा है कि 33.33%, इतना परसेंट निकाल कर फिर उतना मिला दिया गया। तो अगर हम लोग को अगर बनाना हो तो कैसे इस क्वेश्चन को डील करेंगे, तो कुछ करना नहीं होता, जैसे हम लोग बना रहे वैसे केवल लिखने आना चाहिए। जैसे कोई बोले कि 6.66, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 20/3% लिख सकते हैं कि नहीं, आप कर लीजिएगा आ जाएगा। और ये परसेंट हटेगा तो आप नीचे बोल सकते हैं, परसेंट हटा तो नीचे 100 आएगा, तो 20 × 5 = 100, तो एक्चुअल में ये कितना भाग हो गया, तो 1/15 हो गया कि नहीं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1/15 हो गया, इसका मतलब पहला वाला जो 1/15 भाग है, इसका मतलब 15 था और एक कम हो गया, तो 15 से एक कम हो गया तो 15 से 14 हो गया। अच्छा अगर हम इसको बनाएं तो ये 8 × 7 = 56, 6, 5, 7 × 2 = 14, ये 4 जुट के ये 200/7 और परसेंट आएगा, और इस परसेंट को हटा के नीचे हम क्या लिख लेंगे 100, और इसको काटेंगे तो ये 2, इसका मतलब ये 2/7 आया, इसका मतलब 7 था और 2 कम हो गया तो ये 5 होगा। अगर हम इसको देखें 33.33, ये कितना है, ये 100/3% होगा, 100/3% होगा, और ये परसेंट अगर आप हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा और 100 से 100 कट जाएगा, 1/3, इसका मतलब 3 था और एक कम हो गया तो कितना हो जाएगा 2, देखिए 1/3, 3 था और एक कम हो गया तो 3 से एक कम होगा तो 2। अब जो कटे काट लीजिएगा 15, तो ये आ जाएगा 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4, 9 × 4। अब बोल रहा था कि अंत में शेष प्योर मिल्क, यहाँ शराब बोलेगा, जैसे अंत में कह रहा था कि शराब कितना बचा है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तो देखिए कुछ करना नहीं, आपको भी पता है कि शुरू में 9 था और 4 हो गया है, मतलब शुरू में 9 यूनिट शराब था और अब हो कितना, बचा कितना है, 4 यूनिट बचा है, तो हम कह सकते हैं 9 का जो वैल्यू होगा वो 90 लीटर है। यहाँ मांग क्या रहा है, आप यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ मांग रहा है प्योर वाइन, मतलब ये प्रक्रिया करने के बाद प्योर वाइन लेफ्ट, ये मांग रहा है कि प्योर वाइन लेफ्ट, तो इसको निकालने के तरीके क्या होंगे, तो एकदम सिंपल तरीका है, 9 मत का मतलब 90, 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो 90 लीटर के बराबर है, और आपको चाहिए क्या 4 का, तो 4 यूनिट किसके बराबर होगा, नहीं मालूम तो x आप काट लीजिए, लीटर से लीटर, यूनिट से यूनिट, 9 से ये 10 बार में 10 × 40, इसका मतलब 40 लीटर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब प्योर मिल्क, प्योर वाइन लेफ्ट, मतलब जो अंत में जो अब शराब प्योर शराब बचा है वो कितना लीटर है, 40 लीटर है, शुरू में 90 था। अगर कोई कहे यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन ऐसे भी दे दे कि अंत में वाइन और जो वाटर है उसका अनुपात क्या होगा, तो वाइन जो होगा आपका कितना होगा, वाइन 4 बचा है और वाटर, इन दोनों के डिफरेंस को ही वाटर बोलेंगे, तो 9 और ये जो कमियां हैं वो वाटर ले लिया है जगह, तो 9 में से 4 गया 5, तो आंसर हो जाता क्या 4:5, ऐसा हो जाता, कैसे भी देगा तो बन जाएगा। अब देखिए अब कुछ हम लोग कैट लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे, ऐसे यहाँ तक SSC यहाँ तक पूछता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि इससे ऊपर पूछेगा तो कैट लेवल में से हम लोग एक दो क्वेश्चन सीख लेंगे, वो सीखने के बाद वो होता है क्या, उससे ऊपर नहीं हो पाएगा क्वेश्चन जो आया है SSC में, इससे ऊपर नहीं आया।
उसमें क्या होता है कि कुछ भी मिला के कुछ भी डाला जाता है, कुछ भी निकाला जाता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। देखिए ये थोड़ा सा कैट लेवल के क्वेश्चन है, आपको बस समझना है, केवल ध्यान दीजिएगा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब नए क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे आपके इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी तक ऐसे से पूछा नहीं। जैसे कि हम लोग माने, इसमें दिया क्या है कि एक बर्तन में मिल्क और वाटर जो है वो 4:1 है, और ये टोटल मिला के 90 लीटर। और कह रहा है क्या कि 10 लीटर निकाला है और 8 लीटर मिला दिया है, इस बार 18 लीटर निकाला है और 7 लीटर मिला दिया है, इस बार 11 लीटर निकाला है और 14 लीटर मिला दिया है। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन काफ़ी ही आपको अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डील करने के जो तरीके होंगे आपके पास, क्या डील करिएगा, तो ये सब क्वेश्चन अगर आप डील कर पाते तो एसएससी के मेंस लेवल तक के सवाल आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो कैसे इसको डील किया जाए, तो देखिए हम बोले थे जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं केवल इतना ध्यान रहिएगा कि हम लोग काम कैसे करते हैं, लेफ्ट अपॉन टोटल, मतलब ऊपर में हम लोग बचा हुआ जो बचा है मिश्रण वो लिखते हैं और नीचे कुल लिखते हैं। और यहाँ आप एक चीज़ देखेंगे, हर बार हम लोग को यहाँ पे प्योर मिल्क देता था, प्योर मिल्क कितना है, शराब प्योर कितना है, लेकिन इस बार अनुपात में दिया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, आप मिल्क लेके चलेंगे। यहाँ मिल्क और वाटर 4:1 के अनुपात में है, तो मिल्क 4/5 है, मिल्क जो होगा वो 4/5 होगा, कैसे, तो मिल्क 4 ऊपर और 4 और 1 5 टोटल मिश्रण नीचे। तो हम लोग फिर से वही लिए कि इतना मिल्क है यहाँ टोटल है, इसके बाद आप आगे बढ़ जाइएगा। अगर टोटल 90 लीटर मिश्रण है, अगर हम 10 निकाल लेते हैं तो 90 में से 10 निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 80 बचेगा, तो जो बचेगा आप ऊपर लिख दीजिएगा। और फिर 10 निकाले तो 80 आया, और फिर 8 मिला दिए तो जो बचा है ऊपर, और 8 मिला दिए तो अब टोटल कितना हो गया, 88। मतलब हम लोग कर क्या रहे, लेफ्ट अपॉन टोटल, मतलब जो लेफ्ट है ऊपर और जो टोटल है वो नीचे। अच्छा अब कह रहे 18 निकाल लेंगे, तो 88 है और 18 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 70, तो 70 ऊपर, और मिला कितना रहा, 7, तो 70 बचा था, 7 मिला देंगे तो टोटल हो गया 77। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं, लेफ्ट ऊपर रख रहे हैं, जो मिश्रण बचा है उसको ऊपर रख रहे हैं। शुरू में बताए थे कि इस तरीके से बनता है और ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। अब देखिए 11 निकालेंगे तो 11 निकाल लेंगे तो 66, और 14 मिलाएंगे तो 4 70 और 10 80, इतना। तो ये जो होगा ये अनुपात क्या आएगा, 80 80 गया, 11 6 66, 11 7 7 से ये 1 0 और कटेगा, 4 से कट रहा है, 4 2 8 4 2 8 अगर काटे तो 5 से कट रहा है, 5 2 10 2 से ये 2 1 2 2 1 2 और कट रहा है कुछ नहीं। तो ये जो आया अनुपात ऊपर में जो आया, ऊपर में क्या आया, 6 आया, नीचे ऊपर में 6 आया और नीचे में क्या है, 11। तो आपको पता है ये जो अनुपात आता है, ये कोई बोलेगा ये क्या है, तो ये जो यूनिट आएगा वो आपका किस चीज का यूनिट आएगा, तो ऊपर आएगा प्योर, प्योर मिल्क लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क लेफ्ट, और ये जो आता है ये क्या आता है, टोटल मिक्स मिश्रण, तो टोटल मिक्सचर आता है, तो 6 और 11। तो अगर कोई आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जैसे यहाँ क्वेश्चन बोलेगा, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन बोल देता है कि मिल्क और वाटर का अनुपात बताइए अंत में, अंत में अगर अंत में मतलब लास्ट में, तो मिल्क, तो आपको जो प्योर मिल्क लेफ्ट है कितना है, 6 है, और टोटल मिक्सचर कितना है, 11, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वाटर होगा, तो 11 और 6 का जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 वाटर। तो आप इस तरह क्वेश्चन को ऐसे डील कर सकते हैं, और आपका आंसर जो होगा अंत में मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील किया जा सकता है, देख लीजिए, देख लीजिएगा, कोई काटने उठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, उतना आप मैनेज कर लीजिएगा, ऐसे तो सब ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
देखिए इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन आपको सिखा दे रहे हैं लास्ट, ये क्वांटम कैट लेवल का क्वेश्चन हो जाते हैं। जो हमारे एसएससी के सिलेबस में है वो तो थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा आपको उसमें से। देखिए इसमें बोल क्या रहा है आप देखा था, लिखा है कि जो मिल्क और वाटर है वो 2:3 के अनुपात में है और ये टोटल 75 लीटर है। पहला बार दे रहा है कि 5 लीटर निकाला गया और 20 लीटर भर दिया गया। फिर बोल रहा है 15 लीटर निकाला गया और 65 लीटर भर दिया गया। फिर बोल रहा है कि फिर 20 लीटर निकाला गया और 40 लीटर भर दिया गया। आप देखिए एक बार ये किया गया, एक बार ये किया गया और एक बार ये किया गया और अंत में पूछ रहा है अनुपात। कुछ भी पूछेगा हम लोग सब निकाल सकते हैं। देखिए इसमें अगर हम देखें इसमें तो कुछ करना नहीं होगा, मिल्क लेके चलेंगे तो मिल्क का 2 है और यहाँ 3 और 2 5 ऐसे ले लीजिएगा। मतलब अगर प्योर, देखिए हर बार यहाँ प्योर देता था तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी क्योंकि 1/1 लेने की ज़रूरत नहीं, वो तो उतना ही हो जाएगा। ये बोल रहा है मिल्क तो मिल्क आपको 2 और ये 3 और 2 5, इसका मतलब मिल्क यहाँ 2/5 मतलब मिल्क ले रहे हैं, मतलब मिल्क ले रहे हैं नीचे टोटल रख रहे हैं तो 5 निकले, 75 था 5 निकला 70 बचा और 20 ऐड हो जाएगा तो 80 90 हो जाएगा। देखिएगा फिर 15 निकला तो 90, देखिए 90 है मिश्रण, 90 मिश्रण है 15 निकल जाएगा तो 90 में से अगर 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा तो 10 80 75 बचेगा और फिर कितना ऐड कर रहे हैं 65, तो इसमें 65 अगर जोड़ेंगे तो 5 जोड़ेंगे 80 और 8 अच्छे 14 140 हो जाएगा। 65 जोड़ना है ना 6 5 60 एक तो देखिए 5 और 5 10 0 और 6 6 12 13 1 14 ठीक है 140 ही होगा। अगर 20 निकालेंगे इस बार तो 120 होगा और 40 डालेंगे तो 160 होगा। तो अगर देखिएगा कि इसमें क्या क्या कट जाएगा, ये देखिए 0 0 4 3 12 4 4 16 ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 7 2 9 14 0 2 से ये 10 कट जाएगा, 5 से ये 25 5 5 5 15 15 75 कट जाएगा और कुछ कटेगा, 3 से ये 3 बार में 3 5 15 5 से ये 2 बार में तो 4 2 8 तो ये जो आएगा ऊपर में आपको 1 दिख रहा होगा और नीचे में आपको 4 2 8 तो ये आएगा, जो आएगा ये ध्यान दीजिएगा ये जो आया है ये क्या आया है प्योर मिल्क, ये प्योर मिल्क लेफ्ट आया है और ये जो यूनिट आया है क्या आया है टोटल मिक्सचर आया है। यही आता है शुरू से ही अनुपात जो हमारा आ रहा है इसी का रहा है। अगर हम लोग ध्यान देंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए इसमें ये मांग देता कि अगर कुछ भी मांग देता प्योर मिल्क लेफ्ट वाला मांग देता, कह देता कि प्योर मिल्क लेफ्ट, तो अगर प्योर मिल्क लेफ्ट बोलेगा कितना था तो आपको देखना होगा कि आपके पास जो है टोटल मिक्सचर जो है यहाँ 8 यूनिट है और अब 75 नहीं होगा टोटल मिक्सचर, आपको यहाँ देखना होगा अंत में यहाँ टोटल मिक्सचर 100 कितना था 60। इसका मतलब ये 8 का वैल्यू 160 को डिनोट करेगा ना कि 75, क्योंकि यहाँ कुछ भी निकाल रहे हैं कुछ भी डाल रहे हैं, यहाँ सब चीज़ चेंज हो चुका है। तो आपको देखना होगा टोटल मिक्सचर का जो यूनिट है यहाँ कितना है 8 यूनिट है और आपको देखना होगा कि अंत में टोटल मिश्रण कितना था 160, तो 8 का मतलब 160 लीटर और आपको प्योर मिल्क लेफ्ट, तो अंत में यहाँ देखेंगे कि ये 8 हो गया प्योर मिल्क 1 यूनिट तो 1 यूनिट निकाल लेंगे, 1 यूनिट निकालेंगे तो प्योर मिल्क निकल जाएगा 8 2 16 0 तो इसका मतलब x बराबर 20 लीटर, तो जो अंत में प्योर मिल्क निकला वो कितना लीटर है 20 लीटर। तो इस तरह के आप कैट के भी क्वेश्चन काफ़ी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, कहीं अगर समझ में नहीं आया होगा तो रिपीट करके देख लीजिएगा। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, अब फिर मिलेंगे आपको अगले क्लास में।